जो खबरें आ रही है कि फॉरेन टेक्नोलॉजी आ रही है और उससे वहाँ मंच बनेगा राहुल गांधी जी का, मुझे तो लग रहा है कि 10 सालों में जो घोटाले हुए उसका पैसा अब निकलने लगा है। निकाले पैसा, बहुत कमाए हैं वो भी राहुल गांधी का, वो भी हम देखेंगे, लेकिन कुछ भी करें इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आज से 30 साल पहले कांग्रेस ने यहाँ रैली की थी, गांधी मैदान भारत के इतिहास का गवाह है, और उस दिन उसी राजीव गांधी की रैली में 89 में कांग्रेस की समाप्ति की शुरुआत हो गई। इन 30 वर्षों में कांग्रेस नीचे की ओर ही गई है और ये अंतिम कील 3 ताली को ठुक जाएगी। ठीक कहा है हमारे साथी ऋषि जी ने कि कांग्रेस के साथ लोग कहाँ हैं जो वो आएंगे। कुछ नेताओं ने भ्रष्टाचार करके पैसे जरूर बनाए हैं जिसके लिए दीवार और पोस्टरों पर बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग्स दिखेंगे, जर्मन टेक्नोलॉजी का मंच दिखेगा, लेकिन जनता नजारा दिखेगी। कुछ पैसे और धन जमा किए हैं जिसका कोई हिसाब लालू परिवार के पास नहीं है, और यदि हिसाब नहीं है तो उसी कारण से उन्हें राज्य की कुर्सी गई थी। नीतीश कुमार जी ने तो कहा था कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं पब्लिक डोमेन में इसका जवाब दीजिए, उनके पास जवाब भी नहीं। इसी तरह CBI और ED को जवाब नहीं देंगे तो धीरे धीरे ये भ्रष्टाचार की संपत्ति तो जब्त होगी ही। इसीलिए हम इन लोगों से कहते हैं कि गरीबों की बात तो बहुत करते हैं, और आप कहते भी हैं तेजस्वी यादव कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है, हमने कमाई नहीं की है, कमाई हमारे परिवार ने की है, तो इसके लिए बड़ा अच्छा रास्ता है, अपनी संपत्तियों को गरीबों में दान कर दें और वहाँ उनके लिए स्कूल और अस्पताल खुलवाएं। नहीं तो ये जो जब्त होगी संपत्ति, इससे कम से कम ये कहने के लिए तो हो जाएगा कि उस संपत्तियों का गरीबों में दान हुआ है, यही उनके लिए बेहतर होगा। नहीं तो भ्रष्टाचार से कमाए हुए उनकी संपत्ति का उनके पास हिसाब नहीं है, तो आने वाले दिनों में CBI भी कार्रवाई करेगी और ED भी करेगी।